Hello friends, press the subscribe button and hit the bell icon for more such easy videos. नमस्ते फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉकरोच के बारे में, उसकी बॉडी के बारे में। तो सबसे पहला चीज क्या आता है कि कॉकरोच को ड्रॉ कैसे किया जाए। तो एक ऐसा ट्रायंगल शेप जैसा कुछ आप बना लीजिए, मोदक के शेप का आप कह सकते हो, और ऊपर एक गोल, और फिर एक नाव कैसे बनाते हैं हम स्पिंडल शेप की तरह, दाएं और बाएं से ऐसे नीचे ले लीजिए, और उसके बाद एक पीछे ट्रायंगल। ये जो हमने ड्रॉ किया वो एब्डोमेन है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ड्रॉ करनी है वो है कॉकरोच के विंग्स। तो एक यू लिखिए आप, देखिए जो यू है वो थोड़ा सा बाहर चला गया, और जो लाइन से बाहर गया है उसी में हम क्या करते हैं, पत्ते हम नहीं ड्रॉ करते लीफ के, बस उसी तरीके से बना दीजिए। अब दो विंग्स को हम खोलेंगे। देखिए, एक पहला विंग हमने खोल लिया यू शेप का, और ये दूसरा विंग हमने ओपन अप कर लिया। अब इसके अंदर भी सेम वही, जैसे वेन्स और वेनलेट्स आप ड्रॉ करते हो पत्तों में, वैसे ही ड्रॉ कर लीजिए। तो इस तरीके से आप आसानी से क्या बना सकते हो, कॉकरोच के विंग्स। और उसके बाद क्या ज़रूरी है हमें ड्रॉ करना, वो है सेगमेंट्स। तो यहाँ पे हम थोरैसिक का सेगमेंट ऊपर बना दिए, ये जो नीचे सेगमेंट्स हैं इन्हें हम एब्डोमिनल सेगमेंट्स कहते हैं, जो एब्डोमेन में होता है। कहने को तो 11 सेगमेंट होते हैं एब्डोमेन में, लेकिन जो 11वां वाला होता है वो एक्चुअली 10वें के साथ फ्यूज्ड होता है। इसके लिए हम कहते हैं कॉकरोच के पास सिर्फ 10 सेगमेंट होते हैं एब्डोमेन में। थोड़ा सा डिजाइनिंग और आउटलाइन कर लीजिए जो सेगमेंट्स की तरह दिखाई दे। अब इसके बाद हम क्या ड्रॉ करेंगे, ये थोरैसिक सेगमेंट है, तीन सेगमेंट होता है, प्रोथोरैसिक, मीजोथोरैसिक और मेटाथोरैसिक, बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आप क्या बनाओगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है एंटीना, और एंटीना के लिए एंटीनल सॉकेट बना दिए। अब आंख कॉकरोच की, जो हेक्सागोनल फेसेट्स होता है, एक्चुअली कॉकरोच अपनी आंखों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इनके पास जो इमेज बनती है ना वो मोज़ेक इमेज होता है, जो उन्हें साफ सुथरा क्लैरिटी आंखों से नहीं दिखता। अब लेग्स की बात करेंगे, तो लेग्स में देखिए एक ट्राइंगल, एक स्ट्रेट और एक दूसरा, बस यही सेम पैटर्न में आप फिर से बना लीजिए तीन। कॉकरोच जो है इंसेक्टा को बिलोंग करता है, तो उसके पास क्या होगा, थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स होंगे, तो तीन जोड़ी पैर है। ये गोल गोल जो हम बना रहे हैं इन्हें टार्सोमियर्स कहते हैं, पांच होते हैं नंबर में, गिन के पांच ड्रॉ करने हैं। और उसके बाद वही लेग्स आप इस तरफ भी दिखाओगे, लेकिन विंग्स खुले हुए हैं तो इसलिए आप पूरे तीन प्रॉपर लेग्स दिखा नहीं सकते। सो इस तरीके से आप कॉकरोच के डायग्राम को बहुत ही सिंपल तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। और ये जो बना रहे हैं ये ब्रिसल्स हैं, जो इनके बॉडी पे होते हैं, लेग्स पे होते हैं, खास करके स्पाइंस कहते हैं इन्हें, इसी की मदद से कॉकरोच दीवार पे चल पाते हैं, क्योंकि दीवार कोई परफेक्ट स्मूथ सरफेस तो होता नहीं है, उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो अपने ब्रिसल्स और स्पाइन से उसी पोर में अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो दीवार पे भी चल सकते हैं। ये जो नीचे बना रहे ग्रीन कलर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको एनल सिराई कहते हैं, और ये जो बनाया ये एनल स्टाइल है, ये स्टाइल सिर्फ मेल कॉकरोच में होता है, फीमेल कॉकरोच में नहीं होता। तो आइए जरा लेबलिंग करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कॉकरोच के बारे में। सबसे पहला पार्ट ये हेड। तो कॉकरोच का हेड होता कैसे है, ओवल शेप का या ओवेट कह सकते हो आप इसे, जो पियर शेप का भी है, पैर मतलब नाशपति, उसको उल्टा कर देंगे तो थोड़ा सा हेड का शेप आ जाता है। ये डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड है, ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा फ्लैटेंड होगा। अगर आप कॉकरोच के डायग्राम को ध्यान से देखिए, जो रियल कॉकरोच मैंने दिखाया, उसका हेड और उसकी बॉडी 90 डिग्री पे अटैच्ड है, तो हम ये कह सकते हैं कि कॉकरोच का हेड थोरैक्स को 90 डिग्री पे अटैच्ड है, राइट एंगल बाय सिक्स स्क्लेराइट्स, छः स्क्लेराइट्स, छः मसल्स होते हैं जो हेड को पकड़ के रखते हैं 90 डिग्री पे। ये जो पार्ट है इसे आप कह सकते हो फेनेस्ट्रे। फेनेस्ट्रे होता क्या है, एंटीनल सॉकेट के जस्ट नीचे एक छोटा सा वाइट स्पॉट होता है, जिसे ऑसिलर स्पॉट कहते हैं। इस स्पॉट का काम क्या है, सेंसरी है ये, जो जब हम कॉकरोच को मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं तो हम करते क्या है, हवा और कॉकरोच के बीच में जो भी हवा होगा उसे प्रेशर से आगे भेजते हैं, उसी प्रेशर को ये फेनेस्ट्रे से डिटेक्ट किया जाता है और कॉकरोच भाग जाता है। तो याद रखिए फेनेस्ट्रे वाइट स्पॉट है जो बेस ऑफ द एंटीना पे होता है। जब आप एंटीना की बात करोगे, पूरा का पूरा लाइफ कॉकरोच का समझ लीजिए एंटीना के दम पर चल रहा है। एंटीना होते कैसे हैं, पैड हैं, दो हैं, किसके अंदर प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं एक सॉकेट होता है, एंटीनल सॉकेट, जिसके अंदर एंटीना प्रेजेंट है। एंटीना सेंसरी नेचर का होता है। इनके पास दो रिसेप्टर्स होते हैं, एक है टैक्टो रिसेप्टर, दूसरा है ऑल्फैक्टो रिसेप्टर। ऑल्फैक्टो मतलब स्मेल, कॉकरोच
किसी भी चीज को खाने से पहले अपने एंटीना से उसे सूंघता है, और टैक्टोरिसेप्टर मतलब वो प्रेशर को सेंस कर सकता है। मतलब एंटीना अगर आपने कॉकरोच का तोड़ दिया तो वो खाना ढूंढ नहीं पाएगा, ये लोकलाइज करता है फूड मटेरियल को। और ये है माउथ, माउथ ऑफ द कॉकरोच, तो उसका अपर लिप को आप लेबियम कहते हो, लोअर लिप को लेब्रम कहते हो, जो खाने को काटेगा दांत से उसको मैंडिबल कहते हैं, और अंदर मैक्सिला होता है। कॉकरोच की जुबान को हम हाइपोफेरिंग्स कहते हैं। ये जो आ गया आई, तो आई ऑफ द कॉकरोच कैसा है, कंपाउंड आई, जो हालांकि किसी भी काम का नहीं है क्योंकि इसके में जो इमेज बनता है वो मोजैक टाइप का बनता है। तो आई कैसा है, पैड, डार्क, किडनी शेप्ड, और ये ढेर सारा हेक्सागोनल फैसेट्स का बना हुआ है। और एक हेक्सागोनल फैसेट, जैसे हम मधुमक्खी का छत्ता होता है ना हेक्सागोनल चेम्बर हनीकॉम का, तो एक हेक्सागोनल फैसेट को हम कहते हैं ऊ माटी डिया। और जो इमेज बनेगा वो है मोजैक इमेज, जो कॉकरोच यूज नहीं करते। और दूसरी बात ये भी है कि कॉकरोच नॉक्टर्नल होते हैं, रात में ज़्यादा निकलते हैं, इसलिए वो अपनी आँखों को यूज़ नहीं करते, सिर्फ एंटीना की मदद से हर चीज़ को सेंस करते हैं वो। अब ये क्या है, थोरैक्स रीजन है, मतलब हेड के बाद जो आएगा वो है थोरैक्स। थोरैक्स में जो सेगमेंट्स हैं, तीन सेगमेंट हैं, तो उन सेगमेंट्स को हम नाम दे सकते हैं 1, 2 और 3। ये जो फर्स्ट सेगमेंट होगा एकदम ऊपर जो हेड की तरफ है उसे हम कहते हैं प्रो थोरैसिक रीजन, जो बीच वाला है उसे कहते हैं प्रो थोरैसिक रीजन, और जो नीचे की तरफ है एब्डोमेन की तरफ उसे कहते हैं मेटा थोरैसिक रीजन। सो याद रखो, थोरैक्स ऑफ द कॉकरोच तीन पार्ट में डिवाइडेड है, प्रो थोरैसिक, मीजो थोरैसिक, मेटा थोरैसिक रीजन। थोरैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो हम कह सकते हैं थोरैक्स में आता है 2 pairs of wings and 3 pairs of legs। इंसेक्टा की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, ऊपर वाले विंग्स को हम कहते हैं फोर विंग्स, नीचे वाले को कहते हैं हाइंड विंग्स। अब यहाँ पे सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यह समझनी है कि जो फोर विंग्स होता है वो उड़ने के काम में नहीं आता, वो अपने हाइंड विंग की मदद से ही उड़ते हैं। पर ऐसा क्यों, फोर विंग सिर्फ बैलेंस करता है, तो हाइंड विंग पहले खोलेंगे, उड़ेंगे, जैसे टेक ऑफ लेंगे वैसे फोर विंग उड़ के बैलेंस का काम करेगा। ऐसा क्यों है, तो समझिए, जो फोर विंग्स होता है वो कैसा है, फर्स्ट पैर डार्क, डेंस, ओपेक, ओपेक मतलब आर पार नहीं दिखता, डेंस होता है, जिसकी वजह से उसका वजन बहुत भारी हो जाता है, तो इसको आप थिक कह सकते हो। इसको फॉल्स विंग कहा जाता है, क्यों फॉल्स विंग कहा जाता है, बिकॉज इट इज नॉट यूज्ड फॉर फ्लाइंग, ये उड़ने के काम में नहीं आता। फोर विंग जो है उनका उतना डेवलप नहीं है, इसलिए वो ज्यादा दूर के डिस्टेंस को ट्रेवल नहीं कर सकते। हाइंड विंग्स थिन है, ब्रॉड, डेलिकेट, नाजुक सा है, लेकिन सबसे बड़ी बात, इट इज अटैच्ड टू कौन सा सेगमेंट, तो हम कहते हैं टर्गम, डॉर्सल टर्गम, एंड इट इज यूज्ड फॉर फ्लाइंग, और हाइंड विंग्स की मदद से उड़ते हैं, इसी के लिए हाइंड विंग्स को कहते हैं ट्रू विंग्स। तो ये दो विंग्स हैं, बेसिकली 2 pairs of wings है जो कॉकरोच की बॉडी मिलेगा। अब लेग्स की तरफ बात करें तो 3 pairs of legs है। लेग्स को मैं शॉर्ट में कहता हूं कोट्रोफिटीटा। कोट्रोफिटीटा मतलब को मतलब कॉक्सा, ट्रो मतलब ट्रोसेंटर, फी मतलब फिबुला, कोट्रोफी, टी मतलब टीबिया, और टा मतलब होता है टार्सस, और जो टार्सस है वो छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर्स के बने हैं जिसको हम कहते हैं टार्सोमियर। और टार्सोमियर्स के ऊपर पूरे लेग्स पे क्या मिलेंगे आपको, स्पाइंस या ब्रिसल्स, और एक टार्सोमियर को आप कह सकते हो एरियोलम। तो ये जो स्पाइंस और ब्रिसल्स हैं ये बहुत हेल्प करते हैं कॉकरोच को दौड़ने में, इसके लिए फास्ट रनर्स कहलाते हैं। जो नीचे का बड़ा सेगमेंट है कॉकरोच का उसे हम कहते हैं एब्डोमेन। एब्डोमेन के बारे में सबसे खास बात, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द कॉकरोच, सबसे बड़ा हिस्सा होता है। 11 सेगमेंट होते हैं, लेकिन जो 11वां सेगमेंट है वो 10वें के साथ फ्यूज्ड होता है, इसके लिए काउंटिंग में हमें सिर्फ 10 सेगमेंट ही दिखते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये क्या दिखाएगा, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मेल अलग दिखता है, फीमेल अलग दिखता है। मेल और फीमेल में एक ही डिफरेंस है, वो है एनल स्टाइल की, मतलब आप कह सकते हो कि जो मेल कॉकरोच होंगे उनके पास 9वें सेगमेंट से स्टार्ट होकर एक प्रोजेक्शन होता है जिसको कहते हैं एनल स्टाइल, और फीमेल के पास एनल स्टाइल एब्सेंट है। मतलब इसी कॉकरोच में अगर मैं ये एनल स्टाइल ना बनाऊं तो ये हो गया फीमेल कॉकरोच, और अगर बना दूं तो हो गया मेल कॉकरोच जो 9 सेगमेंट से अराइज होगा। कॉकरोच के एब्डोमिनल एरिया पे
एट पेयर्स ऑफ ओपनिंग्स होते हैं, उसी एट पेयर्स ऑफ ओपनिंग्स को हम कहते हैं स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स के मदद से कॉकरोच रेस्पिरेशन करते हैं, और जो कॉकरोच का रेस्पिरेशन होगा याद रखिए वो सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस के काम में आता है। तो इस तरीके से आप कॉकरोच का पूरी बॉडी को एक बहुत ही सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हैं। और जो स्पाइरेकल्स हैं दे आर ओनली इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। और लास्ट में अपने पास क्या आता है, एनल सिराय। ये सेंसरी पार्ट है जो सेंस करता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कंडीशंस और प्रेशर्स को। तो हम कह सकते हैं कि एनल सिराय जो है सेंसरी है। कॉकरोच गोनेपोफिसिस दिखाता है। गोनेपोफिसिस क्या होता है, कॉकरोच की पूरी बॉडी जो है काइटिन की कवर्ड है, जिसे हम कहते हैं किटिनस प्लेट, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव ओपनिंग है वो कवर्ड नहीं है। उसी रिप्रोडक्टिव ओपनिंग को जो कवर्ड नहीं है किटिन से, हम कहते हैं गोनेपोफाइसिस। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कॉकरोच अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए मैं सुनील सर अलविदा लेता हूँ।